रेबीज। क्या आप जानते हो रेबीज किसे कहते हैं? ये कब, कैसे और क्यों होता है? भारत में कई सारे लोग रेबीज के कारण क्यों मर जाते हैं और इसका कारण क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ रेबीज किसे कहते हैं। रेबीज वायरस किसी भी रेबिट एनिमल के काटने के कारण फैलता है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर ब्रेन में फैलकर उसकी मृत्यु हो जाती है। पर रेबीज वायरस से आप 100% बच सकते हैं यदि आप सही समय पे एंटी रेबीज का वैक्सीन लगाते हो। दैट मींस रेबीज इज 100% प्रिवेंटेबल बट नॉट क्यूरेबल। यदि आपको किसी भी जानवर ने काटा, चाहे वो घर का पेट हो या बाहर का कोई भी जानवर, अंधश्रद्धा पर विश्वास ना करते हुए आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है, मतलब जरूरी है। एंटी रेबीज का वैक्सीन आपको 4 से 5 अलग अलग तारीख को लगाना पड़ सकता है, जो कि 0, 3, 7, 14, 21 इस शेड्यूल के हिसाब से लगाया जाता है। यदि आपको कोई भी जानवर काटता है या उसका नखून लगता है, तो जगह को बहते हुए पानी के नीचे अच्छी तरह से साबुन से घिस घिस के साफ कीजिए। आपको यदि कोई भी जानवर ने काटा तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पहला वैक्सीन लेना जरूरी, मतलब जरूरी है। रेबीज के सिम्टम्स कुछ इस तरह देखने मिलता है। किसी को रेबीज हुआ तो उसके मुंह से सलाइवा गिरता है, जॉ लॉक होता है, वाटर फोबिया पानी से डर, दैट इज हाइड्रोफोबिया होता है और बहुत कुछ। और ज्यादा से ज्यादा ये 10 दिन तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। पर ध्यान रहे, एक वैक्सीन लगाने से आपकी जान सलामत रह सकती है और रेबीज जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं, वो भी आपको जानवर ने काटा हो तो। डू फॉरवर्ड एंड टेक अवेयर टू।